रही है, भोजन बना रही है, इधर से भी उधर से भी ऐसे, और उसको खाने वाले की भूख ही खत्म नहीं होती, वो भूखे रहते हैं, वो भी ढूंढते रहते हैं उधर कुछ पड़ा है क्या, कुछ मीठा है क्या, कुछ ये है क्या, क्योंकि जैसे भाव से बनाया वैसा ही खाने वाले की हालत हो जाएगी। इसीलिए रसोई में जाकर मुंह बंद, जब तक हम भगवान का भोग बना रहे हैं पहले खुद को तृप्त कीजिए। हम जगन्नाथ पुरी गए, कहते वहां जगन्नाथ जी को 56 प्रकार के भोग लगते हैं कई बार दिन में, तो वहां के लोग उनको पेटू जी भगवान भी बोलते हैं, वो खाते हैं, 56 प्रकार का भोग बनता है मांगे, और दिन में कई बार बनता है। तो उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई हमको कि यहाँ के जो पंडित हैं जो भोग बनाते हैं, यहाँ का नियम क्या है कि भोग बनाने से पहले उन्हें बहुत अच्छी तरह से छका दिया जाता है, खिला खिला के बहुत अच्छी तरह से उनकी भूख खत्म कर दी जाती है, जबरदस्ती रख उनको बोल बोल के ये भी खाओ, ये और खाओ, और खाओ, और खाओ, यहां तक भर दिया जाता है, और फिर उनको कहते कि अब बना। तो वो तृप्त मन से मनाते थे, उन्हें भूख नहीं लगती, उनकी आसक्ति नहीं जाती, इच्छा नहीं जाती, तृप्त मन से वो भोग बनाते हैं। और वहां की ये मान्यता है कि जगन्नाथ जी को जो भोग चढ़ता है इतना से ही पेट भर जाता है, कितना भी कोई भूखा हो केवल इतने से में पेट भर जाता है, तृप्त हो जाता है इंसान। क्यों बनाया, किस भाव से, किस भाव से बनाया? तो भगवान को जब भोग लगाए तो संकल्प में भी वो झूठा ना हो, संकल्प में भी झूठा नहीं होना चाहिए। अगर वो संकल्प में भी झूठा हो गया तो वो परम पवित्र सत्ता उसको स्वीकार